नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। इस वीडियो को स्टोरी अंत तक देखिए ताकि जो दो दिन से लगातार एडिटोरियल के नाम से न्यूज़पेपर्स और सारे न्यूज़ चैनल्स में जो चर्चा हुई है उसमें अपोजिशन पार्टीज क्यों चाहते हैं कि बॉयकॉट करें और इस बॉयकॉट से उन लोग क्या अपना राय रखते हैं, इस पर चर्चा हुई। मगर ये चर्चा नहीं हुई क्यों कि सिंगल का इम्पोर्टेंस के लिए जो हिंदू के नाम पर रोटियां सेकते हैं एनराम और टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का टाइम नहीं होता, जिसमें उसने कैसे सिंगल का सिग्निफिकेंस को इतना नीचा दिखाया, उसका इम्पोर्टेंस कैसे कम कर दिया। और ऐसा एडिटोरियलशिप को अर्णब गोस्वामी जी ने बहुखूबी से क्वेश्चन किया एनराम को, मगर खुद उन्होंने अपने ही क्वेश्चन पर पानी फेंक कर उसको एडिटोरियल चॉइस बोल के छोड़ दिया। तो मैं इस दोनों मुद्दे पर अपना बात रखना चाहती हूँ। मैं आपको पूरी कॉन्फिडेंस दिलाना चाहती हूँ, आप डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे इस वीडियो जब आप अंत तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ये एडिटोरियल फ्रीडम बोल के जो एन राम जो हिंदू पेपर के एडिटोरियल है वो एडिटोरियल शिप करते हैं वो, तो मैं शुरू करना चाहती हूँ ये चॉइस ऑफ फ्रीडम और एडिटोरियल चॉइस के नाम पर, और जो हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम पर रोटी सेकने वाले ये दोनों न्यूज़पेपर्स ने सिंगल का इम्पोर्टेंस इतना कम करके लिख दिया कि ये एक प्रेजेंटेशन की तरह, एक ने हिंदू ने पेपर में एनराम ने खुद को यह स्थापित किया कि वो पेरियार आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है जो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को डिवाइड करके माइनॉरिटिज्म इंडिया में ही और एक इंडिया बनाने के लिए जो पेरियार आइडियोलॉजी उपयुक्त होती है उस पर बिलीव करने वाले ये एनराम आपका जुट पकड़ी गई। तो दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया जिसमें कभी टाइम इंडिया के बारे में अच्छा लिख नहीं पाते, उन्होंने कहा ये हाँ कैसे भूल सकते हैं सिंगल, ये तो नेहरू का वॉकिंग स्टिक था। तो टाइम्स ऑफ इंडियन एडिटर से मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ कब थे नेहरू का, क्या आपने देखा? तो प्रूफ दिखाइए कब इन्होंने सिंगल को अपना हाथ की चड़ी बन के नेहरू ने वॉकिंग पर गए हो, तो प्रूफ दिखाइए। जब भी आप चाहते तो प्रूफ मांगते हैं तो प्रूफ दिखाइए कब नेहरू जी थे। तो 1947 में भी फ्लावर अपने जुब्बे पर रखकर घूमते थे, और जब एनेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर हुआ तो उनको लेटर लिखने के लिए भी टाइम नहीं था हरी सिंह के लिए, क्योंकि लेडी माउंटबेटन के सामने वो कभी चाचा नहीं बनना चाहते, ना ही बूढ़ा आदमी बनना चाहते हैं। तो कैसे लिख दिया आप ये सिंगल का इम्पोर्टेंस ना जानते हुए कैसे लिख दिया ये नेहरू स्टिक था? तो मैं हिंदू राम से वो पूछना चाहती हूँ कैसे आपने लिख दिया ये प्रेजेंटेशन होती एक जब 1947 अगस्त 15 के एक 16 अगस्त 1946 में बंगाल में एक्शन डे हुआ, पंजाब में पार्टीशन के तहत 1,00,000 से ज़्यादा हिंदू मारे जा रहे हैं, जब ये एक्शन डे के तहत नॉर्थ ईस्ट में जो अराजकता कम ही नहीं हो रही थी, तब साउथ इंडिया से वो भी शेवर मठ के आदमी जाकर प्लेन से या ट्रेन से, आपको उस पर भी क्वेश्चन चाहिए, तो प्लेन से गए या ट्रेन से गए, वो प्लेन से या ट्रेन से गए वो जाकर नेहरू को गिफ्ट दे रहे हैं, एक ही तरफ उनका सहोदर जो ब्रदर्स एंड सिस्टर मारे जा रहे हैं उसको छोड़कर ये लोग नेहरू काले वहाँ पे जिंदा थे राजा जी और जिंदा थे गांधी जी, तब भी उनको प्रेजेंट नहीं करते हुए काले नेहरू को प्रेजेंटेशन देने के लिए गए, कैसे इन्हें शर्मिंदगी आपको इतने एज होने के पर भी आप ऐसे झूठ में झूठ बोलने के लिए आपसे मुझे नफरत है। आपको कभी मैं एक इंसान भी नहीं समझती हूँ, जितना आप कल गिर गए आप कभी उठ नहीं सकते आप मेरी नज़रों से, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन
बोल के बोलने से आपको क्या फ़ायदा मिलती है, क्योंकि ये स्थापित करना चाहते हैं यहाँ पे जो भी कम्युनिस्ट लिखते हैं वो ही अंतिम होगा, क्योंकि अब तक आपको चैलेंज करने वाला कोई एडिटर नहीं हुआ आया, इसीलिए आप गुरुमूर्ति को जी को भी आप गलत ठहराने के लिए बहुत कोशिश करें। जब तक गुरुमूर्ति जी ने अपने तुगलक पे एडिटोरियल में नहीं लिखा तब तक किसी को नहीं मानता ये सिंगल टिक। एडिटोरियल के नाम पर जो एनराम और टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो गलत किया, हिंदू के नाम पर रोटियां ये लोग सेकते हैं, मगर हिंदू का एक सिग्निफिकेंट सिंगल के जो राजदंड को एक्सेप्ट करने पे इनको दिल चुभकती है, मगर आप लोग रेड हैंडेड पकड़े गए। ये हिंदू के एनराम बोलते हैं कि ये एक प्रेजेंटेशन है, और अर्णब गोस्वामी जी इन्होंने इनको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी पेपर में नेहरू का फोटो भी है तो आप कैसे इस पर गलत बोल सकते हैं, बोल के बोल दिए, मगर खुद उन्होंने पानी गिराया अपने खुद के प्रश्न पर और ये एडिटोरियल चॉइस के नाम पर छोड़ दिया। मगर क्या एडिटोरियल चॉइस करने के लिए ये सस्पेंस स्टोरी है अर्णब गोस्वामी जी? एनराम तुम कैसे इसको यहाँ प्रेजेंटेशन के तहत में मिला होगा बोल के कैसे बोल सकते हो? क्या ये जनता को न्यूट्रलिटी में छोड़ने के लिए क्या ये सस्पेंस थ्रिलर है? आपके सामने सिंगल का प्रूफ मिला है, जो जोला डायनास्टी का हर एक उनका टेंपल्स में वो उसका चित्र मिल जाती है, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के कर्नाटका जो चोला डायनास्टी का हेरिडिटरी मानते हैं उन लोगों को पता है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर का सिग्नल सिंबल है, तो आपने कैसे इसका सिग्निफिकेंस कम करने की कोशिश कैसे की? आप एन राम और ये अपोजिशन वाले को और मुझे जो तालिबान लोगों जो अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट में जाते वक्त जो लोग हरकतें की उससे कुछ ये सिमिलर टू सिमिलर वही तालिबान दिखते हैं मुझे, क्योंकि जब यही स्वयं नरेंद्र मोदी जी जब अफ़गानिस्तान में उन लोगों को न्याय पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाए तो तब तो किसी अपोजिशन ने अपोज नहीं किया, कभी किसी एनराम ने नहीं लिखा कि क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं, मगर सबसे सेंट्रल विस्तारा का भूमि पूजन स्टार्ट हुई तब से ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं इतना करोड़ रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी है वो है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में वो रेनोवेशन हो सकती है, टाइम वेस्ट है, ये है वो है बोलने वाले लोग अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडियन की गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेजेंटेशन थी, तब आपके मुंह जुबान क्यों चुप है? क्योंकि जब भी माइनॉरिटीज़ को कुछ फ़ायदा होती है तो ये लोग कुछ नहीं लिखते, अगर कुछ लिखना है तो पॉजिटिव लिखते, अगर नहीं लिखना है तो कुछ नहीं लिखते। तब जैसे तालिबान ने एंटर किया अमेरिकन आर्मी चले जाने पर वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, ऐसे ही ये लोग न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सेंट्रल विस्तार के बाद उद्घाटन समारोह में ये लोग ऐसा ही पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, इन लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू या मोदी जी के सपोर्टर्स कुछ प्रूफ्स सबमिट नहीं करे तो अंधाभक्त होते हैं, जब आप लोग प्रूफ्स सबमिट नहीं करे तो आपको क्या बोलते हैं? बिब्लिकल इल्यूशन बोलते हैं, आपको बिब्लिकल इल्यूशन हो गए। जो अब्राहम लिंकन मानती है कि जो उन्होंने नहीं देखा वो एग्जिस्ट नहीं करती, यही फॉर्मूला आप इस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, मगर आपकी झूठ पकड़ी गई है। प्रेजेंटेशन का बारे में लिखा तो प्रेजेंटेशन का प्रूफ कहाँ थी आपके पेपर में? टाइम्स ऑफ इंडिया आपने कब देखा कि नेहरू ने इस चड़ी को पकड़कर वॉकिंग करते हुए कब देखा? किस मट ने ऐसा आपको वो प्रेजेंटेशन दी कि हमने 1947 अगस्त 15 को जाकर उनको नेहरू को प्रेजेंटेशन दिया? तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सब कहना चाहती हूँ, जो अपोजिशन पार्टी बोल रही है सिंगल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो माउंटबेटन जी ने क्यों पूछा कि मैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए कुछ सिंबलिज्म होना चाहिए, क्योंकि तब तक कॉन्स्टिट्यूशन लिखी नहीं गई तो कुछ होना चाहिए तो ताकि जनता को बिलीव हो तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर सच्ची में हुई बोल के। तो एक्चुअली अगर सच्ची में नेहरू हिस्टोरियन है तो वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने वाला है तो उसको थाट में आना चाहिए कि कभी ऐसा चोला डायनास्टी में था, कभी मुगली आजम की
उज्बेकिस्तान के बाबर और तजिकिस्तान के मंगोली की संतान ये नेहरू को ताट में आना चाहिए कि मुगल में कैसा होता था, उसको प्रूफ में लाना था, क्योंकि तब तक पार्टीशन हो गया और बंगाल 16 अगस्त 1946 में एक्शन डे हुआ बंगाल में, पंजाब में हिंदू कत्लेआम हो रहे हैं, इसीलिए हिंदुओं को शांति करने के लिए उसको कुछ आइडिया नहीं किया। इससे लॉर्ड माउंटबेटन क्या प्रूव करना चाहते हैं, नेहरू पर गुस्सा है क्योंकि उनके लेडी बैटन से इनका जो रिश्ता है वो सबको मालूम हो गया, तो प्रेस्टीज हर एक का होता है, या यह इस देश में वो काना काया इसका कुछ कर्ज चुकाना चाहते हैं क्या, इसी वजह से उन्होंने एक आइडिया तो निकाला ताकि नेहरू और गांधी को गलत साबित करने के, इससे और या बढ़िया चांस उनको नहीं मिलता था, इसीलिए ट्रांसफर ऑफ पावर का एक चिन्ह होना चाहिए ताकि जनता माने कि हाँ एक्चुअली ब्रिटिश चली जा रही है इस देश से, ऐसा हिंदू माने, इसीलिए ये ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए राजा जी ने ये सिंघल का आइडिया दिया। तो इस सिंघल का आइडिया कुछ रिचुअल्स के बाद नेहरू के पास पहुँचे, तो राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी राजा जी खुद समझते थे कि हिंदू राष्ट्र बिना बोले ही हिंदू राष्ट्र बन गई, मगर जो इस्लामिक आइडियालॉजी जिहाद रखने वाले उज्बेकिस्तान के बाबर, तजिकिस्तान के मंगोल आइडियालॉजी रखने वाले, उनके वंशज के परंपरा चलने वाले नेहरू एक एक्सीडेंटल हिंदू थे, इसीलिए उनको चुभ रही थी ये सिंगोल का अपने साथ रखने में, इसीलिए जो भी हिंदू का है वो अल्लाह के पास रहना है, इसीलिए अलाहाबाद म्यूजियम में उसको रख दिया ऐसे वॉकिंग स्टिक। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया एन राम ने भी अपने प्रूफ प्रेजेंट करने में नाकामयाब हुए कि ये नेहरू का वॉकिंग स्टिक नहीं, ये कभी चोला डायनास्टी का ही सिंगल है जो राजदंड के नाम से जाना जाता है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए ये उपयुक्त करते जाते हैं बोल के ये लोग को एक्सेप्ट करने से इनको दिल चुप रही है, इसीलिए ये सारा नाटक दे दिया। तो दूसरी बात आती है अपोजिशन प्रेसिडेंट को इन्विटेशन, तो 1947 में नेहरू जी को कौन ट्रांसफर ऑफ किया, उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया राजा जी को ये राजदंड नहीं दी, नेहरू जी को क्यों दिया ये राजदंड, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है थे, क्योंकि एक्चुअली नेहरू हारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इलेक्शंस में जीता, हर एक ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होना चाहते थे, मगर गांधी के फिर कुयुक्त से ये ट्रांसफर ऑफ वोट से नेहरू कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, इस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए वो चुना गया, तो चुने हुए आदमी को लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सौंप दिया। तब कहाँ थे प्रेसिडेंट, क्या तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, नहीं थे, तो कब बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 को उन्होंने आफ्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होने के बाद उनको इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल के चुना गया। तो कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज नॉट डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, इज इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस देश में किसका चलती है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर का जितना होता है उतना प्रेसिडेंट का नहीं है, तो जब चाहे ये लोग गवर्नर को रबर स्टैंप, प्रेसिडेंट को रबर स्टैंप बोल सकते हैं, उनका अपना पोजीशन दिखा सकते हैं कांग्रेस अपने, क्योंकि प्रणब मुखर्जी सोनिया गांधी को नमस्ते बोलना है इवन प्रेसिडेंट ऑफिस में, और क्योंकि प्रणब मुखर्जी खुद अपने बुक में लिखा सोनिया गांधी ने मुझे विश नहीं किया, मैं प्रेसिडेंट हूँ फिर भी मुझे ही उनको विश करना पड़ रही है, ये ऐसा दुर्भाग्य है कांग्रेस में बोल के उन्होंने खुद अपने बुक में लिखा। तो ये है कांग्रेस की चरित्र, इस कांग्रेस के चरित्र देश के चरित्र से जुड़ा जाए तो ये कहती है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर फ्लैग हास्टिंग करते हैं और 26 जनवरी को प्रेसिडेंट फ्लैग हास्टिंग करते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, ऑफ कोर्स वी आर रिपब्लिक,
हमारे द्वारा प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, तो इसमें अफसोस की क्या बात है और इसमें प्रेसिडेंट का इंसल्ट क्या है। इंसल्ट होना है तो राजा जी का इंसल्ट किया, माउंटबेटन ने नेहरू मिलकर कि ये राजदंड उनको सौंपाना जारी है। अगर आपको अगर राष्ट्र हिंदू राष्ट्र मानने से अगर नेहरू को चुप्पी थी, ये राजदंड को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपाना था। किसने बोला? ये इलाहाबाद म्यूजियम में रखना था। तो दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम जी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मोदी जी अपने हाथ में एक रख कर, ये राजदंड रख कर ये आपको कहना चाहती है, देशवासियों से वो कहना चाहती है, हम लोग 1947 अगस्त 15 में ही हिंदू राष्ट्र थे। जो सावरकर जी का जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब था वो फुलफिल हो गई, मगर एक कुतंत्र की तरह से, जैसे हिस्ट्री हमसे छुपाया गया है ऐसे ही नेहरू के एक कांग्रेसवादियों ने उसको म्यूजियम में छिपाया गया है। इसको ही एनालाइज करते हुए इसको सामने लेकर आया है, इसीलिए सेंट्रल विस्तार बनने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, क्या हम अगर हमारे पूर्वजों का एसेट्स अगर कोई पत्र हमको फिर से मिल गए तो क्या वो छोड़ देते हैं? मगर अफसोस की बात है कि यहाँ के रहने वाले हिंदू, हम लोग हिंदू राष्ट्र में जी रहे हैं ऐसा वो लोग बिलीव करने में पर भी उन लोगों को शर्मिंदगी फील होती है। इसीलिए मोदी जी ये प्रूफ लाकर आपके सामने रख दिया, आप बेवकूफ़ हो, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और ये नेहरू के गांधी परिवार ने आपको हिस्ट्री से ही नहीं, आप खुद की आपकी देश की ममता से दूर रखे है। आप हिंदू राष्ट्र गर्व से करो, हम हिंदू है गर्व से कहो, ये भारत देश हिंदू राष्ट्र है बोल के। तो ये सेक्युलरिज्म का वर्ड इमरजेंसी टाइम में इंदिरा गांधी लाने का यही प्रयास थी, क्योंकि कभी ना कभी अगर ये सच सामने आई तो यहाँ के हिंदू कांग्रेस को वोट देने वाली नहीं है, तो यहाँ के मुस्लिम्स को भड़काना है तो सेकुलर वर्ड रखना है बोल के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को जेल में, प्रेस पेपर रिप्रेजेंटेटिव्स को जेल में रख के वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके सेकुलर वर्ड किया। तो दोस्तों, मैं 47 से पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, इंडिया हिंदू राष्ट्र है, और जो सेकुलर वर्ड लिखा गया उसका कोई वैल्यू नहीं है। और आज से कोई हमको ये नहीं कहेंगे कि सेकुलरिज्म के नाम पर, माइनॉरिटिज्म के नाम पर देश में और एक देश बनाने का इस कोशिश को हम करेंगे, उसको हम ख़त्म करेंगे। ये शपथ आप लीजिए, माई पार्लियामेंट माई प्राइड नहीं, मैं हिंदू हूँ मेरा देश हिंदू राष्ट्र है बोल के बोलना है, गर्व से करो हम हिंदू है, ये देश हमारा हिंदू राष्ट्र है। सावरकर जी का जो हिंदुत्व है वो जीत गई, कब? 1947, जब माउंटबेटन खुद ही हमको सौंपा के गया है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, उसका सिंबल और प्रूफ हमको मिल गई है और इसको कोई खारिज नहीं कर सकते। अगर कोई किस कर अपोजिशन के नाम पर अपोज करते हैं तो उनको आप सबक सिखाइए, और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम भी पार्टीशन और LOC को भी हम नहीं मानते हैं, और जो गांधी ने टिबेट को दिया उसको भी हम वापस लेंगे, और जो अरुणाचल प्रदेश में होने वाले हंगामा को हम और पीओ को भी हम नहीं मानेंगे बोल के सारे पाकिस्तान को ही ख़त्म करेंगे और LOC को भी ख़त्म करें। अगर आई बात पर हिंदुत्व की तो हम जम के लड़ेंगे, हम गर्व से करेंगे, हम हिंदू है, हम जी रहे हैं हिंदू राष्ट्र में, ना ही ये सेकुलर कंट्री है। मैंने आपको प्रूव कर दिया कि क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाना ये ट्रेडिशन नहीं था। मोदी जी ये कहना चाहते हैं सावरकर जी का जो हिंदू राष्ट्र थी वो कभी माउंटबेटन देने जिन्हें अंबेडकर जी के सामने, राजा जी के सामने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और
सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी भी जिंदा थे, उनके सामने ये सौंप दिया। इसका अर्थ है ये हिंदू राष्ट्र है। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ माइनॉरिटीज जीते हैं, मगर ये हिंदू राष्ट्र है, ना ही सेकुलर कंट्री है। तो ये साबित होती है, मैंने साबित किया, और एन राम और टाइम्स ऑफ इंडिया ने साबित नहीं कर पाई, क्योंकि वो बिब्लिकल इल्यूशन में जीते हैं। ये कहते हैं कि कोई और उसको प्रूफ दे, मगर वो प्रूफ देने के लिए वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं बिब्लिकल इल्यूशन। हम अंधभक्त नहीं हैं, हम प्रूफ भक्त हैं। प्रूफ आपको दिखाया गया है, आप, मैं भी चैलेंज करती हूँ एन राम को, आप भी प्रूफ दिखाइए। कब इन्होंने एक गोल्डन स्टिक लेके वॉकिंग किया, वो कब वो रोज़ फ्लावर पहनते थे, कब इसको क्यों अलाहाबाद म्यूजियम ही रखना रखे गए है नेहरू इश्यू पर छोड़ना नहीं है। माय पार्लियामेंट माय प्राइड, मैं हिंदू हूँ, मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। तो इस तहत हम ये मांग करते हैं, इस पर कड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसने किस वजह से इस सिंगल आइडेंटिटी को छुपाया गया है, और क्या हुआ इन तीनों बीच में, लॉर्ड माउंटबेटन क्या कहना चाहते हैं, ये हर एक देशवासी जानने की ज़रूरत है, ताकि इन लोगों को फिर से इंडिया में इंडिया बनाने के जो माइनॉरिटीज़म को हम ख़त्म कर सके। होप आप सबको इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अगर मिली होती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैं लेती हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।